सावन के पहले सोमवार राजाधिराज महाकाल निकले नगर भ्रमण पर, दिए भक्तों को दर्शन। श्रावण मास के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की परंपरा अनुसार निकलने वाली सवारी निकली। दोपहर 3:30 पर सभा मंडप में पुजारियों ने भगवान का पूजन किया। पूजन में कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र शुक्ला भी मौजूद थे। सभा मंडप में पूजन के बाद शाम 4 बजे भगवान शाही ठाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर के शहनाई द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने राजाधिराज को सलामी दी। इसके बाद रजत पालकी में सवार राजाधिराज बाबा महाकाल मनमहेश रूप में जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर निकले, चहुं ओर जय महाकाल का उद्घोष गूंज उठा। अपने भक्तों को दर्शन देने सवारी मार्ग से होते हुए पालकी रामघाट शिप्रा नदी पहुंची। आज भगवान महाकालेश्वर जी के सावन मास का पवित्र प्रथम सोमवार के दिन भगवान महाकालेश्वर जी की यहाँ पे अवंतिकापुरी के राजा महाराजा कहलाते हैं और इस परिक्षेत्र अवंतिकापुरी क्षेत्र के अंदर परिभ्रमण करने के लिए अभी राजा के रूप में पालकी में सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। यह परिभ्रमण सिर्फ अवंतिकापुरी परिक्षेत्र या सिर्फ उज्जैन का नहीं होता है, यह परिभ्रमण पूरे तीनों लोकों का परिभ्रमण होता है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताल हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल लिंगम तैलोके नमस्तुते। आकाश के अंदर ताड़केश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है, पाताल के अंदर हाटकेश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है और मृत्युलोक के अंदर भगवान महाकालेश्वर जी नाभि चक्र के ऊपर, संसार में पृथ्वी की नाभि चक्र के ऊपर विराजमान होने से दाता अवंती का नाथ कहलाते हैं। वो राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा हैं भगवान महाकाल। तो राज स्वरूप में भगवान महाकालेश्वर जी आज जब परिभ्रमण पर निकलेंगे तो ये परिभ्रमण सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं होता है, ये पूरे तीनों लोकों का परिभ्रमण है। आज भगवान महाकालेश्वर जी के प्रसन्न सोमवार पे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, सपत्नीक साधना सिंह जी और उनके दोनों पुत्र कुणाल कार्तिक आए और भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ लघु रुद्र अभिषेक पंचामृत पूजन अभिषेक पाठ किया। करीब 80 से 81 ब्राह्मण यहाँ पे थे और भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ उन्होंने समस्त जनता जनार्दन के कल्याण की भावना से, विश्व कल्याण की भावना से और कोरोना से मुक्ति हमारे पूरे विश्व के लोगों को मिले और समस्त जनता जनार्दन का कल्याण हो, जिससे उनमें आत्मशांति का, उनका भय का भय खत्म हो और उनमें आत्मशांति बनी रहे। आज भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ ये पुण्य अभिषेक, ये संकल्पित लेके उनने यहाँ पे पूजन अभिषेक किया है। जय महाकाल। नदी पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर बाबा की पालकी पुनः महाकाल मंदिर की ओर प्रस्थान की। देखिए, मैं इस सावन की पहली सवारी पर सभी को बधाई भी देता हूँ और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन हो, तीसरी लहर से बचा जा सके और परंपरा का निर्वहन भी हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने पुराने रूप से ही जो पिछले साल का था संक्षिप्त सवारी निकाली है, लेकिन और अधिक भव्यता के साथ हमने निकालने की कोशिश करी है ताजा सजावट के साथ में। सभी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ जो लोग घर बैठकर ही मीडिया के माध्यम से इसको देख रहे हैं।